हमारी वो दुकान जिसमें तुमने उछलते कूदते हुए अपने 22 साल पूरे किए, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस खुशी में शामिल होने के लिए हर अपने पराए को आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन ये कार्ड खास तौर पर तुम्हारे लिए लिखा है, ये बताने के लिए कि तुम इस अवसर का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि तुम अपने और पराए की सीमा से बहुत दूर जा चुकी हो। इसीलिए तुमको हमारी 100वीं जयंती के उत्सव पे नहीं आना है। कृपा करके तुम्हारा कोई नहीं, बाळकृष्ण गोखले। अर्णब, एक मिनट अभिषेक, अब मैं बोलूंगी। आपने विभा को ना आने का न्योता दिया। हाँ? ये घर शेती है, खेत है मेरा, बाळकृष्ण गोखले नाम के किसान का खेत है ये घर। स्वाद और स्वच्छता से भरी नमकीन और मिठाई की खेती होती है यहाँ पे, और कोई भी किसान अपने खेत में अकाल और सूखे को तो ना आने का ही न्योता भेजेगा ना जोत्सना। बस क्षमा चाहती हूँ, लेकिन विभा मेरी भी बेटी है, और मेरी बेटी को कोई सूखा और अकाल कह के बुलाएगा तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। क्षमा करना जोत्सना, इतने कठोर हो गए हैं आप। आपका दिल दुखाया है, आप अंदर से टूट गए हैं, छुप छुप के रोते हैं, समझती हूँ मैं, लेकिन अपने दुख को अपना मनोरंजन बना के अपने दिल को बहलाइए मत। आप जैसे सुसंस्कृत पुरुष को ये शोभा नहीं देता। देखा, बुढ़ापा बुढ़ापा, बेचारे अन्ना सबसे नजरें मिला के अपना गम बांटना चाहते हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ देख ही नहीं रहा है। अन्ना, प्रभाकर, कोई कुछ बोला ही नहीं। सबसे बड़ा बेटा होने के बावजूद तू मेरे तरफ से कुछ बोला ही नहीं तेरी माँ से। हाँ, तू लिख तेरा गाना लिख, नदी खारी होती है, पुलाव खारा होता है, समंदर और दाल। तुमने कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलो। हाँ बोलो। हाँ हेलो। अरे केशव दादा, मैं जयंत बात कर रहा हूँ, जरा अन्ना को फोन दीजिए ना। देखो, आपको आपकी बहन की कसम है। हाँ एक मिनट, पढ़ती हुई नहीं, अन्ना को फोन दीजिए। हाँ अन्ना, आपके लिए फोन। क्या भारती? हेलो जी ससुर जी, मैं जयंत बात कर रहा हूँ। भारती, तुमने मुझे ऐसे थर्ड क्लास सड़क साफ आदमी का फोन दिया मुझे? अरे वाह केशव दादा, आप थर्ड क्लास सड़क छाप है क्या? फोन आपका है ना? अरे नहीं नहीं बड़ा, क्या अन्ना जयंत की बात कर रहे हैं, लाइन पे जयंत है ना अन्ना? ये वक्त जयंत स्पीकर पे रखिए केशव दादा। अरे आपको विभावरी की कसम है। ऐकतच नाही। एक मिनट,
बोल। सुनिए अन्ना, उसे बोल कुछ नहीं सुनना मुझे। आपको सुनना पड़ेगा, आपका नौता पड़ा हमने तो शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है। मां कसम, क्या कि दुनिया में पहली बार किसी ने ना आने का खास नौता बनाकर भेजा होगा ना। लेकिन आप ये मत भूलिए कि मैं भी एक लेखक हूँ। आपने क्या लिखा है इसमें? कि हमारी दुकान की 100वीं जयंती पर आपको नहीं आना है कृपा करके। तो मैंने नहीं के बाजू में कॉमा लगा दिया है। तो अब मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ ना, नहीं आना है कृपा करके, इसलिए हम तो आएंगे अन्ना। चुनौती 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 कौन है यहाँ पे? हे प्रणोदी, हे प्रणोद, चुनौती दे रहा है मुझे अभिषेक। अभी अभी जाके बोल उसे कि अगर वो यहाँ आया तो खून खराब हो जाएगा। अगर भाई मर्डर, मर्डर का इशारा ये कैसे हुआ? मल्लिका शेरावत थी ना उसमें, नर्स दिख रही थी। अंदर अंदर बातें नहीं, अन्ना कुछ बोल रहे हैं। अरे हाँ, अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये क्या ऐसा ऐसा इशाराबाजी क्या हो रही है? हाँ अभिषेक, तू जाके बोलना उसे। किसे? अरे उसे। किसे किसे? जयंत 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 विभावरी 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 जयंत। हाँ अभिषेक का नाम लिया ना, उसके नाम में से जय निकाल कर अंत ला दूंगा अगर वो दोनों यहाँ दिखे तो। तुझे भी बाथरूम विथरूम जाना है तो जा, और फिर जा वहां और जाके बोल। बोलेगा ना? बोल। हाँ नहीं नहीं बोलेगा। अमोल मैं नहीं, अभिषेक नहीं बोलेगा, क्योंकि जयंत जीजाजी कितने मस्त आदमी है मालूम। अरे तुझे क्या पता, तू कभी मिला भी है क्या उससे? हाँ 3 बार। केशव दादा मुझे लेके गए थे उनका फिल्म का शूटिंग दिखाने मालूम। देखा प्रभाकर दादा, देखा हाथ जोड़ के विनती कर रहा था मैं कि मुझे मत भेजिए मत भेजिए, लेकिन आपने आपने मेरी एक नहीं सुनी। क्यों की सीध आपने, क्यों मुझे भेजा इसे शूटिंग दिखाने के लिए? क्यों प्रभाकर नालायक, सबसे बड़ा बेटा होने के बाद भी समझ गया, मैं समझ गया, उसकी वो बकवास पिक्चर में अपना बकवास गाना डलवाना चाहता था ये। वो क्या, वो समंदर मीठा होता है दाल कड़वी होती है। खारा ना। बकवास नहीं है वो, सिर्फ इनका गाना बकवास है। जिया जी की फिल्म तो मस्त है मालूम, नागिन जरा ठहर दे दे 2 लीटर जहर, और वो वाली तो कितनी मस्त थी बताए, सुपर हिट हुई थी। घाट से गिरा माथेरान में, सेल्फी ले ली शमशान में। हमको बुलाया था ना देखने? पता है मुझे, पता है, वो भयंकर अश्लील पिक्चर का पोस्टर बिस्टर देखा है मैंने, और गाना भी बजाते हैं वो लोग रेडियो पे। गंदा आदमी, वो पीता है और वो खाता है। क्या वो पूछ? क्या 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 वो? अरे वो केशव बोल उसे। हाँ अरे अमोल, वो प्रभाकर दादा, ये वो जो कभी कभी प्रभाकर दादा को छुप छुप के खाने पीने का मन करता है। हाँ शराब, वो मच्छी, चिकन। प्रभाकर नहीं नहीं अन्ना, मैं तो मच्छी मार्केट के बाजू में से भी नहीं गुजरता हूँ। ये इसके इसकी बहन का नाम था मत्स्यगंधा। मैंने उसको बोला कि तू अपना नाम चेंज कर वरना मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा। मत्स्यगंधा? हाँ अभी रजनीगंधा रखा है। अरे तू क्या मच्छी मिच्छी की बातें सुन रहा है यहाँ? तू जाके बोल उस मांसाहारी को चेतावनी दे कि अगर वो और उसकी पत्नी यहाँ पर आए तो साथ में एक एम्बुलेंस भी लेकर आए। सलमानदार
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.